सत्तारूढ़ गठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी भी पेच फंसा हुआ लग रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह लगातार शिवसेना, सिद्धे गुट और अजित पवार के साथ चर्चा कर सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देर रात तक एनसीपी नेता अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के साथ बैठक की। ये बैठक बेनतीजा रही। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ भी अभी तक सीटें तय नहीं हो पाई हैं। जी मीडिया संवाददाता नीलेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, कहां पर मामला फंसा हुआ है एनडीए में? जी, इससे लेकर तो स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है कि मामला फंसा कहाँ है, लेकिन जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हो रहा है, उससे पता चलता है कि कई सारी जो सीटें हैं उसको लेकर विवाद जरूर निर्माण हो रहा है। सबसे बड़ा जो कहें कि गणित है, उसे लेकर ये पूरा पेंच फंसा हुआ है, चाहे वो शिवसेना की मांग हो 18 सीटों की या एनसीपी अजीत पवार की मांग हो 9 सीटें की, उसमें कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेस हैं वो निर्माण होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी जहां दावा कर रही है अकेले 32 सीटों पर अपने चुनाव लड़ने का, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार गुट इस आंकड़े से कहीं ना कहीं असहमति जता रहे हैं, और यही एक बड़ा कारण है कि अब तक इतनी बैठकों के बाद जहां केंद्र नेतृत्व भी इन्वॉल्व हो रहा है इस पूरी मीटिंग में, उसके बावजूद भी ये जो बैठक है वो बेनतीजा है, और जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो अब तक नहीं निकल आया है। जी बिल्कुल। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 48 सीटें हैं यहां पर, लोकसभा सीटों के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद, और ऐसे में कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द जो भी विवाद है उन्हें सुलझा लिया जाए। बहुत शुक्रिया नीलेश पूरी जानकारी के लिए।